हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, टर्म है कि हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोफे तावन से मिलने हॉस्पिटल आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इससे पहले तावन सभी को बताए कि सोफे तो उसे बैंक के पास लेकर गई थी। तावन सोफे को ऐसा करने से रोकती है। सोफे तावन को बोलती है, तुम्हें छोड़ना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। सोफे से गुस्से में निकल जाता, मैंने ने मुझे असोल्ट किया है तुम्हारी वजह से। तभी डॉक्टर प्रमोद रूम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सोफे तावन को नहीं मार पाती। तावन पुलिस में बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है अगर उसने बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन की तो सभी को पता चल जाए सोफित के साथ बैन ने क्या किया है। तावन नहीं चाहती सोफित को शर्मिंदगी की जिंदगी बितानी पड़े। सोफित दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेती है कि तावन ने बैन के अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं की, पर सोफित को तावन पर बिलीव नहीं होता। तावन हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तोमरन अभी भी तावन के साथ रूढ़ ही होता है। तोमरन तावन से पूछता है, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया बैन के बारे में, उसने तुम्हारे साथ क्या किया और ना ही तुमने उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन की। तोमरन तावन से पूछता है, तुम क्या चाहती हो, मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो। तावन अपनी चित पर अड़ी रहती है, तोमरन को कुछ नहीं बताती। तोमरन सब सोच कर अंदर ही अंदर घूट रहा होता है। इसके बाद तावन अपनी फ्रेंड चियू के साथ शेयर करती है कि वो प्रेग्नेंट है। चियू ये सुनकर खुश हो जाती है और इस बारे में तोमरन को बताने को कहती है। चियू तावन को समझाती है, जब तोमरन को इस बारे में पता चलेगा तो जरूर तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। जो दूरी तुम दोनों के बीच आ गई है वो खत्म हो जाएगी। तावन चियू की बातें सुनकर तोमरन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आज शाम बताने का डिसाइड करती है। के बाद तावन को स्टेयर्स पर कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। वहीं व्हील चेयर रखी होती है। तावन उस पर बैठकर पैर से कांच का टुकड़ा निकाल रही होती है। तभी कोई तावन को तेज से धक्का मारता है। तावन सीधा नीचे जाकर गिरती है। नोई तावन को स्टेयर्स में पड़ा हुआ देख लेती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी तोमरन वहाँ आ जाता है और तावन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तोमरन को डॉक्टर प्रमोद से पता चलता है तावन प्रेग्नेंट है। तोमरन के लिए शॉकिंग होता है, क्योंकि उसे लगता है उसका नहीं ये बैन का बेबी है। इवन तोमरन की फैमिली को भी यही लगता है। जिसके बाद तोमरन का बिहेवियर तावन के लिए और भी रूड हो जाता है। इसी बीच बैन वापस आकर तोमरन के फादर को मार देता है अपना बदला लेने के लिए। तोमरन तावन के साथ हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर प्रमोद उन्हें आकर उसके फादर की डेथ के बारे में बताते हैं। तोमरन और उनकी फैमिली पूरी तरीके से टूट जाते हैं। सोफित मौके का फायदा उठाती है और तोमरन को तावन से अलग करने की कोशिश करती है। सोफित तोमरन को बोलती है, क्या तुम तावन को अभी भी एक्सेप्ट करोगे जिसने तुम्हारे फादर को मारा। तावन उसी की बेबी की मदर है। तोमरन को समझ नहीं आता क्या करूं। मदर तोमरन से पूछती है, तुमने याद्वा यानी तावन को लेकर क्या डिसाइड किया है। तोमरन मदर को बताता है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में जीव तावन को बताती है, सूती ने मुझे बताया तुम्हारी मदर हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही है। तावन सूती को वीडियो कॉल करती है और उससे उसकी मदर को दिखाने को कहती है। वीडियो कॉल के दौरान ही तावन की मदर मर जाती है। ये देख कर तावन बौखला जाती है। जिसके लिए सब कर रही थी वही नहीं रही और तावन को अफसोस होता है वो अपनी मदर से लास्ट मोमेंट पर मिल भी नहीं पाई। तभी डॉक्टर प्रमोद रूम में आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तावन बोलती है, मुझे मेरी मदर से मिलने अभी जाना है। डॉक्टर प्रमोद बोलते हैं, तुम्हारी मदर तो तोमरन के घर रह रही है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तावन सब सच बता देती है, वो मेरी मदर नहीं है और ना ही मैं कोई याद्वा हूँ। मैं तावन हूँ और याद्वा के घर मेड का काम करती थी। याद्वा की मदर ने मुझे हायर किया था तोमरन की वाइफ बनने के लिए, क्योंकि याद्वा तोमरन से शादी नहीं करना चाहती थी। तावन जीव के साथ अपनी मदर के फ्यूनरल पर चली जाती है। डॉक्टर प्रमोद तोमरन को सब कुछ बता देता है। तोमरन बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो बेबी भी मेरा नहीं था, ऊपर से उसने मेरे साथ फ्रॉड भी किया, मैं उसकी फिक्र क्यों करूं। डॉक्टर प्रमोद तोमरन को बताता है, टेस्ट रिपोर्ट से कंफर्म होता है वो बेबी तुम्हारा है। ये सुनकर तोमरन खुश हो जाता है। तावन को वापस लेने उसके घर चला जाता है। तोमरन तावन को अपने साथ घर चलने को कहता है। तावन साथ आने से मना कर देती है। तोमरन तावन को बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, बस ये बेबी मुझे चाहिए, तुम डिलीवरी के बाद मेरी लाइफ से जा सकती हो। तावन बोलती है, मैं तुम्हें ये बेबी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। तभी सूती बीच में आकर तावन के लिए तोमरन से लड़ता है। तोमरन सूती को बोलता है, मुझे पता है तुम जियो के बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो तुम तावन को पसंद करते हो, तो चिंता मत करो, मैं अपना बेबी तावन से लेने के बाद उसे छोड़ दूंगा, फिर तुम लोग जो मर्जी करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तावन तोमरन को बोलती है तो मुझे जेल भेज सकते हो फ्रॉड करने के जुर्म में, पर मैं तुम्हें ये बेबी किसी भी हाल में नहीं दूंगी। तोमरन तावन को धमकी देता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड चीयू और सूती को भी जेल भेज दूंगा तुम्हारा साथ देने के लिए, क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? तावन अपने फ्रेंड्स को सेव करने के लिए तोमरन के साथ चली जाती है। घर जाकर तोमरन अपनी मदर को भी तावन के सच के बारे में बता देता है। नोई को भी ये बात पता चल जाती है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तावन एक मेड थी, क्योंकि तावन नोई और मदर का दिल पहले से ही जीत चुकी होती है। इसके बाद यादफा और उसकी मदर तावन को तोमरन की फैमिली से पैसे लेकर देने को कहती है। तावन बोलती है मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं करूंगी। यादफा की मदर तावन से पूछती है क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए अपनी मदर के लिए? तावन बताती है जिसके लिए चाहिए थे वो चली गई है मुझे छोड़कर, अब कोई भी पैसे उन्हें मेरे पास वापस नहीं ला सकते, इसलिए मैंने सबको सच बता दिया है, मुझे अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। यादफा और उसकी मदर ये सुनकर डर जाते हैं, अब तोमरन की फैमिली उन्हें जेल भेज देगी। इसके बाद तोमरन की मदर यादफा के पेरेंट्स से बात करती है और बताती है हमें सबको सच पता लग गया है, आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। यादफा की मदर बोलती है पर आप हमें जेल नहीं भेज सकती, आप ये मत भूलिएगा हमारी फैमिली ने आपके बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में कितना सपोर्ट किया था, आज जो भी आप लोगों के पास है वो हमारी वजह से है। तोमरन की मदर यादफा की फैमिली के एहसानों तले तप जाती है और कुछ नहीं कर पाती। यादफा की मदर बोलती है जब आपको सच पता लग गया है तो हम अपनी गलती भी ठीक कर सकते हैं, रियल यादफा की शादी तोमरन से कराकर, लेकिन तोमरन मना कर देता है यादफा से शादी करने से और यादफा को बोलता है मुझे पता है बैट तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यादफा बोलती है बैट मेरा नहीं तावन का बॉयफ्रेंड है। तावन को ये सुनकर गुस्सा आता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बना रही हो? तोमरन बोलता है इस बात का कंफर्मेशन तो बैट ही कर सकता है वो किसका बॉयफ्रेंड है। यादफा बोलते यानी तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? तोमरन कुछ जवाब नहीं देता। यादफा और उसकी मदर तब तक वहीं रहने का डिसाइड करते हैं जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि बैट किसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पैन सोबित को कॉल करके ब्लैकमेल करता है, तुम तोमरन को मार दो नहीं तो मेरे पास अभी भी तुम्हारा वीडियो क्लिप है, डिसाइड कर लो तुम फेमस होना चाहती हो या अपने प्यार को बचाना, और सोबित को मिलने के लिए बुलाता है। सोबित बैन से फ्रस्ट्रेट हो जाती है इसलिए उसे अपनी जिंदगी से हटाने का डिसाइड करती है। सोबित अपना फोन टेबल पर छोड़कर चली जाती है, किंग सोबित का वीडियो देख लेती है जो बैन ने उसे भेजा था, यानी किंग को पता चल जाता है बैन ने सोबित को असोल्ट किया था। सोबित किंग को देख लेती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, सोबित किंग को मार देती है, उसे लगता है किंग सबको बता देगी। यादफा का बॉयफ्रेंड बैट सोबित को किंग की बॉडी ले जाते हुए देख लेता है। इसके बाद सोबित बैन से मिलने जाती है, सोबित बैन को कैद कर लेती है और उसका बुरा हाल कर देती है। तोमरन की फैमिली को पुलिस से पता चलता है कि किंग की बॉडी मिली है, सभी को लगता है बैन ने ही किंग को मारा होगा क्योंकि वही उनका दुश्मन है। इसके बाद सोबित तावन को इमोशनली अपनी बातों में भिकाने की कोशिश करती है, बैन मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर। सोबित तावन को वो मैसेज भी दिखाती है जो बैन ने उसे टेक्स्ट किए होते हैं, लेकिन वो मैसेज सोबित ने बैन के फोन से खुद ही अपने आप को सेंड किए होते हैं। सोबित को बताती है बैन ने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है और साथ ही मुझसे कुछ पैसे भी मांगे हैं। तावन सोबित की बातों में आ जाती है और उसे बोलती है मैं तुम्हें इन सबसे निकालने में हेल्प करूंगी और पैसों का इंतजाम भी मैं कर दूंगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।